तो पिछली प्रश्नावली में आपने प्रश्नावली 3.1 को पूरा ख़त्म होते हुए आपने देखा था। कक्षा 11 की मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं और अरिहंत की किताब हमारे पास है। आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 को शुरू करेंगे और यहाँ पे कुछ मानक वास्तविक फलन तथा उनके आलेख यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे आलेख आपको दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं बताने को, समझाने को, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही समझाने वाली बात हो जाएगी, इसलिए चीज़ों को कम समझते हैं, सीधा प्रश्नावली पे चलते हैं और आसान तरीके से हम प्रश्नावली को हल करना प्रारंभ करते हैं। ये जितनी भी चीज़ें इसमें दी गई हैं धीरे धीरे आपको समझ में आती रहेंगी। तो चलिए सबसे पहले तो समझ लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। निर्देश है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक निम्नलिखित फलन का आलेख खींचिए। फलन आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं और बस चलिए इसको शुरू करेंगे। देखिए जो पहला फलन है वो बीजगणितीय फलन है, तो पहले नाम देख ही लेते हैं कि कौन कौन से फलन यहाँ पे होने वाले हैं। एक तो तत्समक फलन होने वाला है, वो सिंपल सा फलन है जो फलन को निरूपित करने के लिए एक सिंपल सा जो भी हो सकता है खींचा गया है। खैर इसको इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अचर फलन जो होते हैं उसमें फलन में आपको केवल एक चर अचर संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि यहाँ पे f(x)5 दिया गया है। तो यहाँ पे इसका अलग देखिए, ये yH है, ये xH है और f(x)बराबर यहाँ पे 5 मिला है। यहाँ पे आप x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे, f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, हमेशा 5 ही मिलेगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप ढेर सारी देख सकते हैं और f(x) की वैल्यू हर जगह पे 5 देख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो आलेख खींचा गया है, इसी आलेख को हम सबसे पहले उस प्रश्न में खींचने वाले हैं। और हालांकि यहाँ पे बीजगणित वाला ना, देखिए यहाँ पे f(x)2 f(x)-2, ये जो यहाँ पे f(x)2 f(x)-2 जो दिया गया है, इस फलन का आलेख खींचिए। ये जो चौथी पांचवी सवाल है ये बिल्कुल उस प्रकार की है और उस प्रकार के सवाल को हम यहाँ पे करेंगे, इनको भी करेंगे। और ये अचर फलन के हो जाने के बाद बहुपद फलन, बहुपदीय फलन जो दिया गया है, यही अपना वहाँ पे पहला सवाल है। जो भी बहुपद से संबंधित सवाल रहे ये बहुपद फलन हो गया, जो परिवेश से बटे में लिखा गया है वो परिमेय फलन हो गया, ठीक है। यहाँ पे मापांक फलन, निरपेक्ष फलन, निरपेक्ष फलन में मॉड वाले जो चीज़ रहेगा मापांक फलन या निरपेक्ष फलन के अंतर्गत आएगा, वो वाले प्रश्न भी हम यहाँ पे देखेंगे। और कौन सा आ जाता है अगला वाला, यहाँ पे आ जाता है चिन्ह फलन या सिग्नम फलन, ये हो गया महत्तम पूर्णांक फलन या पग फलन और न्यूनतम पूर्णांक फलन। उसके बाद यहाँ पे जहाँ पे अंडर रूट दिखा रहेगा वर्गमूल फलन हो गया, और जहाँ पे एक्स और उसका 1/x मतलब उल्टा देखने को मिल जा रहा है व्युत्क्रम फलन हो गया। एक फलन इस प्रकार से जा रहा है उल्टी दिशा में, इधर से जा रहा है, व्युत्क्रम फलन की बात हो गई। चर घातांकी फलन, ठीक है, चर राशि के ऊपर, ठीक है, अचर राशि के ऊपर, यहाँ पे चर घातांकी फलन फलन मतलब हो गया कोई अचर राशि हो गया उसके ऊपर चर के रूप में घात रहेगी, तो ये चर घातांकी फलन एक ही घाते एक्स रहेगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे लघुगणकीय फलन है, तो लघुगणक से संबंधित जो भी फलन रहेगा लघुगणकीय फलन आएगा। अपने पास जो पहला फलन है f(x)(4), ये चर घातांकी फलन घात के रूप में लगता है, लेकिन चर घातांकी फलन होने के लिए घात में चर राशि का होना आवश्यक है। यहाँ पे ये चर घातांकी फलन नहीं होगा, इसे हम बीजगणितीय फलन कह पाएंगे, बीजीय फलन कहेंगे, तो ये सही रहेगा। अब इसका आलेख खींचना है, तो किस प्रकार से इसका आलेख खींचा जाएगा वो देखते हैं। तो हम पहला प्रश्न यहाँ पे लिखने वाले हैं और f(x)2 लिखते हैं x^4, और इसमें अब कुछ नहीं करना है और हम कर भी क्या पाएंगे, हमें केवल बॉक्स बना लेना चाहिए जिसमें हम x के अलग अलग मान रखेंगे और y तो यहाँ पे नहीं है, f(x) के अलग अलग मान प्राप्त होंगे। सो यहाँ पे हम x का मान रखेंगे और यहाँ पे f(x) का मान, लेकिन हमको तो y रिप्रेजेंट करना होगा यार, इसको अगर हम y बराबर मान लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, यानी कि ऐसे हम कर देते कि माना ये f(x) की जगह हम y लिख देते,
और एक्स पावर फोर हो जाता, और ये एफ एक्स बराबर यहाँ पे वाई आ जाता, यानी वाई पे जो कुछ भी रहेगा वो एफ एक्स की वैल्यू होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। अब एक्स बराबर अगर हम एक रखेंगे तो एक के घाते चार बराबर एक हो जाएगा, और एक्स बराबर दो रखेंगे तो दो के घाते चार बराबर दो दुनिया चार, चार दुनिया आठ, आठ दुनिया सोलह, ठीक है, सोलह हो गया। तीन रखते हैं तो तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, तिया इक्यासी, इक्यासी हो गया। और अगर चार रखेंगे तो बड़ा गिनती आ रहा है, लेकिन अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो प्राप्त हो जाएगा। माइनस एक रखने पर क्या प्राप्त होगा, चार बार गुणा कर रहे हैं हमेशा प्लस ही मिलेगा यार, ठीक है। और माइनस दो रखेंगे तो जैसे सोलह मिला था वैसे ही सोलह मिलेगा, लेकिन प्लस में ही मिलेगा, माइनस में नहीं मिलने वाला। और माइनस तीन रखने पर प्लस में इक्यासी मिलेगा, क्योंकि माइनस तीन को अगर हम चार बार गुणा करेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस ही बचेगा। तीन त्रिका नौ, नौ त्रिक सत्ताईस, सत्ताईस तीन या इक्यासी, तो इस प्रकार से ये पूरा प्राप्त हो जाएगा। और अब क्या करेंगे, हमें यहाँ पे आलेख खींचना होगा। आलेख खींचने के लिए हम सोच रहे हैं कि पटरी का प्रयोग ना करें, बस आपको समझाना ही तो है, तो समझा देते हैं। दो ऐसे खींच लिया गया है लंबवत रेखाएं, ये अपना एक्स हो जाएगा, लेकिन हमारे पास इक्यासी है ना वाई पे, कितना ऊपर दिखाएंगे यार, हम तो दिखाते दिखाते ही थक जाएंगे। खैर, ये एक्स डैस है, ये वाई है, यहाँ पे वाई डैस है, ये तीर बना दिया, यहाँ पे तीर बना दिया, यहाँ पे तीर बना दिया, इधर की ओर देखेंगे ये ज़ीरो हो गया, यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे एक, ये माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, बहुत ज़्यादा ही हो गया है। ऊपर की ओर एक, और यार एक सोलह इक्यासी, डायरेक्ट इक्यासी, इक्यासी वाला काम हो रहा है। एक दो तीन से हम यहाँ पे दिखा भी नहीं पाएंगे, दस बीस तीस दिखाएं क्या, छोड़ो यार, देख लेते हैं, देख लेंगे क्या हो सकता है। दो तीन चार, सोलह तो बहुत ऊपर जाने के बाद, इक्यासी और भी ऊपर जाने के बाद मिलेगा, ठीक। तो ज़ीरो पे ज़ीरो एक बिंदु हो गया ये वाला, माइनस एक पे एक ये बिंदु हो गया, और प्लस एक पर एक ये बिंदु हो गया। दो पर सोलह कहीं बहुत ऊपर, और माइनस दो पर सोलह कहीं बहुत ऊपर, और इसको अगर हम दिखाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार से दिखा पाएंगे, और कोई रास्ता है नहीं इसको दिखाने का। और मैं विचार कर रहा हूँ कि क्यों ना दस बीस तीस रख करके काम चला लिया जाता, यहाँ पे दस बीस तीस चालीस ऐसे रख कर काम चलाया जा सकता था, तो वो भी काम किया जा सकता है, बट समझो बात को, यहाँ पे एक आरेख खींचना था, ये खींच लिया गया है, और इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ किया नहीं जा सकता। तो इस प्रश्न का उत्तर तो यही रहेगा, अब हमें दूसरे प्रश्न में चलना चाहिए। तो अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या दो, एफ एक्स बराबर दो बटे एक्स स्क्वायर दिया गया है, तो ये एक परिमेय फलन होगा। दूसरे सवाल में एफ एक्स बराबर दो बटे एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे सिचुएशन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ अलग नहीं होंगी, और इसमें फिर से वही अगेन जैसे हमने वाई बराबर माना था मान लेंगे, और ये तो कुछ ज़्यादा ही गंदा डिब्बा बना दिया हमने। यहाँ पे x रखा जाएगा, यहाँ पे y। अगर x एक बराबर x, मतलब x बराबर एक रखते हैं तो एक के घाते दो बराबर एक मिलेगा, और दो बटे एक बराबर एक, सॉरी दो होता है, ठीक। और अगर हम दो रखते हैं, दो के घाते दो बराबर चार, दो बटे चार, ठीक है, क्या मिलेगा, दो बटे चार। मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाना ज़्यादा बेहतर समझूंगा, कि ऊपर दो हो गया, नीचे हो गया चार, दो से काट दिया, एक बटे दो मिल जाएगा, यहाँ पे एक बटे दो मिल जाएगा। और तीन रखते हैं तो तीन त्रिका नौ हो जाएगा, दो ऊपर तीन त्रिका नौ नीचे, दो बटे नौ, यार दो बटे नौ दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा, इसलिए तीन नहीं रखते हैं, ज़ीरो रख देते हैं।
ओ माय गॉड, लेकिन अगर हम जीरो रखेंगे तो 2/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित होगा, तो जीरो तो रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो तो आप रख ही नहीं सकते हो। और फिर क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं, हाँ रख सकते हैं। -1 रखने पर तो ऊपर तो 2 ही रहेगा, नीचे -1 का स्क्वायर करने पर 1 हो जाएगा, जो कि 2 के बराबर हो जाएगा। और -2 रखने पर -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 2/4 बराबर, फिर से अगेन वही 1/2 ही मिल जाएगा। और कुछ ऐसा रख दिया जाए जो कुछ ठीक रहे, 3 रखने पर तो काम नहीं होगा काम, और 4 रखने पर काम हो सकता है, 4 चौक 16 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 16, यार बटी वाली गिनती मिल जाएगी, बहुत भयंकर मिल जाएगी, और जो कि बहुत मुश्किल लग रहा है वो, बट इतने पे हम इसको शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं, कोशिश जारी है कि ये एक बेहतर रिजल्ट दे सकें। तो यहाँ पे 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 1 2 3 4, बस इतना ही पर्याप्त है। एक्स पे एक्स डैश, यहाँ पे वाई, यहाँ पे वाई डैश, सो मेरे ख्याल से इतने में काम हो जाएगा। ठीक है, ये 1 2 3, -1, -2, -3, -4, 1 2 3, ये 4, और इधर -1, -2, इतना ही पर्याप्त है। थोड़ा सी गंदी राइटिंग में है पर काम चलेगा। यक्स पे 1 y पर 2, यक्स पे 1 y पर 2, ये और हाँ बिंदु। अच्छा, 0 रखने पर यह परिभाषित हो गया था ना, 0 वाला तो काम बनेगा ही नहीं। और 2 पर 1/2, ये 2 है उस पर 1/2, यानी 1 से भी आधा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा। और -1 पर 2, -1 पर 2 है, और -2 पर कितना है, -2 पर 1/2 है, यानी यह वाला बिंदु, यानी हम कह सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार से जाना चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से वो जाना चाहता है, तो ये चला गया, आरेख बन गया। तो ठीक है, यही तरीका रहा इस प्रश्न को हल करने का, और भी मान रखे जाएंगे तो और बड़े बड़े मान मिलेंगे, पर ठीक है, हो गया। और जैसे कि हमने 4 रखने की सोची थी, तो 4 पे क्या मिलता, 4 पे हमने जब x=4 रखने की सोचा, 4 चौक 16 हो गया था, 4 रखने पर 4 चौक 16, 1/2, सॉरी ऊपर 2 नीचे 16, 8, 1/8 मिल रहा है। 1/8 का मतलब क्या है, 1/8 भाग, 4 पर 1/8 भाग, ये तो काफ़ी मुश्किल लग रहा है, ऐसे जाना चाहता है ये। और मुझे लगता है कि हमने गलत बनाया है। बात होनी ये चाहिए थी कि जैसे कि हमने 4 पे कहा कि 1/8 है, इसका मतलब क्या, 1/8 वाई की वैल्यू 1/8, यानी ये जो रेखा है वो ऐसे जाना चाहती है, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से नहीं जाएगी, और ये भी ऐसे 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 टच होकर करीब से जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती है इधर, सीधा सीधा नहीं निकलना चाहती है, निकलना चाहती होती तो वैल्यू मिलती -3 पे, ऐसे कुछ नीचे वाले। बट 4 पे 1/16, 1/8 मिलने का मतलब एक्स पे 4 गया, वाई पे ऊपर 1/8, थोड़ा सा ऊपर, तो वो ऐसे जाना चाहिए था। तो मेरे समझ में आ रहा होगा, तो आपको इसको ऐसे ही चित्र बनाना है, ओके, जैसा हमने बनाया, ये वाला हिस्सा ना कीजिएगा, ऐसे पहुंचा दीजिएगा। और तीसरे प्रश्न की बात करें तो क्या है भैया, तीसरे प्रश्न में कि f(x) = 4x+5, और सिंपल अगर हम इसको y बराबर मानेंगे तो वो 4x+5 मिलेगा, और यहाँ पे हम काफ़ी अच्छे से रख पाएंगे वैल्यूज़ को। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में पहले तो बॉक्स बना लेना ही है, x हो गया, यहाँ पे y हो गया, x=1 रखते हैं तो क्या मिलेगा वो देखना है, क्या होगा ये समझना है। 4 × 4 हो गया, 4 × 5 = 9 हो गया, 2 रखने पर 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 13, 3 रखने पर 3 × 6 = 12, 12 × 5 = 17, 0 रखने पर 5 आ जाएगा, और -1 रखने पर क्या होगा, 4 × 4, 5 में 4 गया
चार एकम चार माइनस चार हो जाएगा, पाँच में चार गया एक बचेगा, और माइनस दो रखने पे क्या हो जाएगा, चार दो नहीं आठ, आठ में से पाँच गया माइनस तीन बचेगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा देखने को मिल पाता है। और अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो ये हमको रोचक लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम देखें तो वाई पे 17 जा रहा है, तो ऊपर की ओर 17 लेके जाएंगे और हम ट्राई करेंगे कि 17 तक हम पहुँच पाएँ, पर नहीं पहुँच पाएंगे तो कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे दो तीन चार पाँच छ सात, चलो ठीक है, अगर हम दो चार छः आठ रखेंगे तो काफ़ी अच्छा ये रहेगा। माइनस आठ हो गया, दो चार छः आठ दस बारह चौदह, यहाँ पे माइनस दो माइनस चार पे पहुँच चुके हैं। एक पर नौ है, एक्स बराबर एक यहाँ पे मिलेगा, नौ आपको यहाँ पे मिलेगा। दो पर है तेरह, तेरह तो यहाँ पे मिल जाएगा, और चार पर तो हमने रखा नहीं, तीन पे है सत्रह, तीन पे सत्रह काफ़ी ऊपर गया है। ज़ीरो पर पाँच है, ज़ीरो पर पाँच ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। माइनस एक पर एक, माइनस एक पर माइनस माइनस एक पर एक ये रहा, और माइनस दो पर माइनस दो पर माइनस तीन ये रहा। और अगर हम ध्यान से समझें तो एक सीधी रेखा जैसा ये प्राप्त हो रहा है, और ये रैखिक समीकरण तो है ही, तो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगा। हो गया आलेख खींचना इसका, और क्या करेंगे इसके, मतलब इसमें और क्या कर ही सकते हैं। आपने नौवे में ही ये सीखा था, दस में भी ये सीखा था। और अब जो तीसरे प्रश्न में, चौथे प्रश्न में आ जाते हैं, चार से सात तक हमको फलन का आरेख खींचना है, साथ ही प्रांत और परिसर भी याद करना है। और हमारे पास जो प्रश्न है वो चौथे में एफ एक्स बराबर दो दिया गया है। तो पहले बात तो चौथा प्रश्न डाल देते हैं, एफ एक्स बराबर सात दो दिया गया है वो लिख लेते हैं, ठीक है। फिर आपको एक शब्द एक अच्छा देखने को मिलेगा, एफ एक्स बराबर दो, और यहाँ पे उल्टा ये बना रहेगा जिसको फॉर ऑल कहता है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर। सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये फलन काम कर रहा है, ऐसा बात है। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रख देंगे, आपको एफ एक्स बराबर हमेशा दो ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इसका फलन का अपना जो प्रांत है, फलन का प्रांत है तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा। और जो परिसर है वो क्या हो जाएगा, वो हमेशा दो ही प्राप्त होगा। समझ में आ रही बात, आर मतलब एक्स की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे और आपको परिसर में हमेशा क्या प्राप्त होगा, दो प्राप्त होगा। आप x बराबर एक रखेंगे तब पर भी एफ एक्स बराबर दो ही मिलेगा, दो रखेंगे तब पर भी दो मिलेगा, तीन रखेंगे तब पर भी तीन मिलेगा। और अगर इसके डिब्बे की बात करें, डिब्बे की बात की जाए तो आपको समझ में आ गया x और यहाँ पे एफ एक्स, यहाँ पे एक रखा तो दो, दो रखा तो दो, सॉरी दो, तीन रखा तो भी दो होगा, ज़ीरो रखने पे भी दो होगा, माइनस एक रखने पर भी दो होगा, क्योंकि यहाँ पे x कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो x का मान कुछ भी रखो तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तो ये इस प्रकार से प्राप्त होगा। और अगर इसके आलेख की बात की जाए तो इसका आलेख तो बहुत ही आसान होता है, ये x हो गया, यहाँ पे x डैस हो गया, यहाँ पे y हो गया, यहाँ पे y डैस हो गया। और ऐसी स्थिति में x का मान आप देखिए, y बराबर यहाँ पे हर जगह y बराबर दो है, यानी y बराबर जो दो पे है वो एक सीधी रेखा के रूप में ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है। जैसे x बराबर एक रखा आपने तो y बराबर दो, दो पर भी दो मिलेगा, यहाँ वाला बिंदु मिलेगा, तीन रखेंगे चार रखेंगे, ठीक है, दो रखा तीन रखा यहाँ पे चार रखा, कुछ भी रखेंगे हर एक बार कोई ना कोई बिंदु मिलता रहेगा और एक सीधी लाइन प्राप्त हो जाएगी देखने के लिए, ठीक। x अब देखिए यहाँ पे माइनस एक है, यहाँ पे माइनस दो है, आप कुछ भी रखेंगे तो एक सीधी रेखा ही प्राप्त होगी हर जगह पर। तो ये आपका इसका आलेखन है, ओके, समझ में आया होगा उम्मीद है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे आगे के प्रश्नों को, और अगली वीडियो में जो प्रश्न रहेंगे उसके चित्र को हम भली भांति बहुत अच्छे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।